तनिषा का बर्थडे है और शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे यहाँ तो आना ही है. मैं शूटिंग कर रही थी और शूटिंग से डायरेक्ट आ रही हूँ अभी और बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी हम लोग रिसेंटली कुछ एक साल हुआ है हमारी दोस्ती को. पहला उसका बर्थडे अटेंड करने आई हूँ और अपनी बेस्ट विशेज देने आई हूँ. जब मुझे उसने बोला तुझे आना है तो मतलब आना है, तो मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए. जब दिल से किसी ने पुकारा है तो डेफिनेटली जाना है. और मैं अपनी बेस्ट विशेज, मे गॉड ब्लेस हर एंड फुलफिल ऑल हर विशेज एंड लॉट्स ऑफ लव टू हर करियर एंड हर फ्यूचर. जो भी आप बोलो, क्या पूछो? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तनिषा. थैंक यू सो मच. तनिषा को इतना ही कहना है कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000. तनिषा बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, तनिषा रौनक हैं, जहाँ भी होती हैं सबको खुश कर देती हैं. तो हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देने आ गए हैं. अभी तक वो पहुँची नहीं है, हम लोग सब पहुँच गए लेकिन वो भी आ जाएंगी, जरूर आ जाएंगी. जन्म होने में उनको टाइम लग रहा था. सर, आपके कोई नहीं आने वाली या हमारी एक अभी एल्बम आई है डेस्टिनी, जो मैं, पंकज उदास, तलत अजीज, सुमित टप्पू सब ने गाई. अमिताभ जी आए थे उसको रिलीज़ करने. और अब एक एल्बम आ रही है वी लव यू जगजीत, और कुछ फिल्म्स हैं वो रिलीज़ हो रही हैं जिसमें मैंने काम भी किया है, मैंने प्रोड्यूस भी किया है, वो भी सब आप देखेंगे. ज़रूर ज़रूर. मैं तनिषा के लिए एक लाइन गा देता हूँ. तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. उनको विश करने आए हम सब अपने परिवार के साथ. उनको मालिक लंबी उम्र दे और इसी तरीके से हर साल पार्टी होती रहे और मालिक उनको एक नाम दे, शोहरत दे, ऐसी दुआ भी करता हूँ. क्या और कुछ? थैंक यू सर. अभी मेरी एक फिल्म आ रही है मकसद द मिशन, अनूप जलोटा जी प्रोड्यूसर, उसके प्रोड्यूसर हैं और मैं उसमें विलेन हूँ, मिठुन दा. पंजाबी एक फिल्म करके आया हूँ एज ए विलेन पंजाब से. 5-6 और फिल्में हैं. एक है गुजर आंदोलन, मैन विलेन कर रहा हूँ. तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में इसी तरीके की, भोजपुरी की है. हम लोग तो करेक्टर भोजपुरी रोल करते हैं, जो रोल नेता करते रहते हैं. नई सरकार से कुछ उम्मीद है कि कुछ इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ. थैंक यू सो मच. बस शुभकामनाएं और मैं चाहता हूँ इस साल उनको अच्छी सी कामयाबी मिले. 4 चांद लगाए फिल्म इंडस्ट्री में. बस यही कि उनको कामयाबी मिले और बहुत जल्दी तरक्की करें और अच्छी बड़ी फिल्मों में आए, बड़े एक्टर्स के साथ आए और शोर मचा दें यहाँ पर इंडस्ट्री में. थैंक यू.
वॉलेट दिखाओ ना। हाँ जी, आज मनीषा जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन को क्या कहना चाहिए? जन्मदिन पे इंसान क्या कहता है? तनीषा के लिए बाबी डॉल लग रही है पूरी, वो बहुत बहुत शुभकामनाएं और तरक्की के सीढ़ियाँ चले, मेरी ये दुआ है और कामयाबी उसके कदम चूमे। उनकी ड्रेस के बारे में आज क्या कहना चाहिए? मैंने आपको ये कहा शी लुकिंग लाइक अ बाबी डॉल, बहुत प्रिटी ड्रेस है, बहुत खूबसूरत लग रही है एज ऑलवेज। अपने बारे में सही है, और क्या कर रहे हो आप? आपसे अभी फिलहाल बात कर रही हूँ मैं। थैंक यू। मैं बहुत सारी मुबारक तनीषा को, तनीषा मेरी बहन जैसी हैं, लाइक वी हैव अ वंडरफुल फैमिली अफेयर रिलेशंस विद हर। लेट अस डू इट अगेन। बहुत सारी मुबारकें देवी रानी का आशीर्वाद तनीषा को। तनीषा मेरी बहन है, बहुत अच्छी सहेली है और मैं जल्दी मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती ही नहीं हूँ। तनीषा ने कहा आज मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट यही रहेगा कि लक्ष्मी जी आप वेस्टर्न कपड़े पहन के आइए। तनीषा जी वहाँ से जा रही है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तनीषा का ये चाहत थी कि मैं आज वेस्टर्न कपड़े में आऊँ उनके बर्थडे पार्टी में। और मेरी तनीषा और हमारी दोस्ती इतनी अच्छी कि मैं उसके आग्रह को मना नहीं कर पाई, तो आज मैं वेस्टर्न कपड़े में सिर्फ तनीषा के लिए, जो मेरी बहन है, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करे और हर एक चीज़ को वो हासिल करे जो उसकी चाहत रहे, उसके लिए मुझे उसके लिए ढेर सारे आशीर्वाद और प्यार तनीषा के लिए आज उसके जन्मदिन पर। तनीषा तो पूरी सिंड्रेला लग रही है आज, और हर काम तनीषा, तनीषा इज ओवर हियर माय सिस्टर, तो आई लव हर। आज लक्ष्मी का ट्रेडिशनल लुक ब्रेक करने वाली अगर इंडस्ट्री में कोई है वो है तनीषा सिंह। बिकॉज रेखा के अलावा भी कोई लुक होना चाहिए ना, बिकॉज लक्ष्मी जी का इतना प्यारा प्यारा लुक है, लोगों ने सिर्फ बॉर्डर में देखा, इतने बड़े बड़े बिंदु में देखा, पर मैंने इनको पर्सनली देखा ना, हाउ शी इज लुकिंग सो हॉट, यू नो। तो सिर्फ तनीषा सिंह हॉट की, और भी तो लोग हैं जो लक्ष्मी और हम दोनों का, वैसे भी देखो सब लोग हमको बहुत कुछ बोलते हैं जो हमारे बारे में बहुत सारे चीज़ें रहती है मीडिया में हमेशा, बट वी आर रियल सिस्टर्स एंड वी लव ईच अदर। दुनिया लाख बोले, सितम कर लाख सितम करे, पर आज हम एंजॉय करेंगे तनीषा का बर्थडे। एज मत पूछना। सेंसर नॉट अलाउड, सेंसर नॉट अलाउड। आज सबसे पूछा गया कि आपकी ड्रेस के बारे में, वो भी इतनी देर लग रही है, आपको क्या कहना है ड्रेस के बारे में? अभी देखो मेरा एक आइडेंटिटी बन चुकी है, जो लोग कहते हैं कि तनीषा का ड्रेस बोलो, तो मेरी एक्चुअली मेरी आइडेंटिटी से ज़्यादा मेरे ड्रेस की लोग तारीफ करते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता था कि आज मैं कुछ सिंपल सोवर सा पहन के, इनफैक्ट मैंने इसे बहुत वर्कआउट किया और काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रही हूँ, तो आई वॉन्टेड टू बी ए लाइक ए डॉल। मैंने अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की है, बट अब ये सब लोग ही बता सकते हैं मैं वाकई में डॉल लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। थैंक यू सो मच।